लोहा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। दोस्तों इसी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम आपको एक छोटी सी वीडियो देने जा रहे हैं, जो मशीन में राड लगी हुई होती है उसकी सेटिंग करके उस पर रोल को रख करके कैसे कटिंग करते हैं और मशीन की थोड़ी बहुत आयलिंग कैसे करते हैं, मतलब इसमें जो वायरिंग लगे होते हैं उनमें आयल कैसे डालते हैं, इनका क्या काम होता है और इन्हें कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज मिलूँगा। और हल्की हल्की सी मैंने इसमें ऑयलिंग कर दी है, अपना थोड़ा मोबिल होता है हल्का हल्का डाल दिया तो चक्रिया आसानी से ये घूमने लगी है। और थोड़ा आयल अगर आपको डालना है तो एक बूंद आप आयल को यहाँ पर डाल सकते हैं, एक बूंद, और एक बूंद यहाँ पर डाल सकते हैं और एक बूंद उस साइड में डाल सकते हैं और एक बूंद इस लाइन में डाल सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, फिर इसके बाद ऐसे मशीन कर लेनी है और थोड़ी देर इसे चला देना है, थोड़ी देर इसे उधर उधर कर देना है। देखो इसमें जो आयल आ रहा है ये है, तो दोस्तों ये मैंने कर दिया है। और इसके बाद जो है हमारी ये पट्टी को, जो मैंने ये पत्ती जो है ये कसती है, अब इस पर जो है राड को किस तरह से लगाना है। इस राड का लगाने का फ़ायदा ये होता है, जब हम रोल को रखते हैं ना तो रोल कटिंग के साथ आसानी से घूमता रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा रोल है तो आप लास्ट वाले इस वाले खाने में आप लगाएंगे इस वाले में, अगर आपका रोल छोटा है तो इस वाले खाने में लगा के सिंपली आप सब चला सकते हैं। तो रोल को मैं इधर लगा दे रहा हूँ, एक खाना बीच वाला छोड़ दे रहा हूँ। और ये हमारा रेडियम का छोटा सा रोल है, मैं इस पर ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये इस पर रख गया, जब मशीन घूमेगी तो उसके साथ साथ ये भी घूमता रहेगा। अब करना क्या आपको, जब ये चटकनी फंसाते हैं तो ऊपर भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वो क्या है रेडियम को। दोस्तों वीडियो थोड़ा हिल डुल रहा होगा क्योंकि अकेले ही वीडियो बनाना, अकेले ही रोल को लगाना एक हाथ से। आप अगर यहाँ से रख रहे हैं, पूरा रोल लगा रहे हैं, तो इस वाले सेंसर पे, इस वाले सेंसर पे बीच वाली चटकनी नहीं लगानी है। ये या तो आपको इस सेंसर के इस तरफ रखनी है, जैसा कि ये जो चटकनी लगी है, या तो सेंसर के, ये जो सेंसर होता है ना, या तो इसके इधर रखनी है या तो इधर रखनी है। अगर इस पे रखोगे तो आपका रेडियम जो सारा ख़राब हो जाएगा, एक कटिंग टेढ़ी वेढ़ी कर देगी ये इतनी दूर पे। और ये इसमें वो तो जानते ही हैं, देख लेना कोई वॉल वगैरह तो नहीं है। तो ये हमारा रोल इसमें आसानी से जो फंस चुका है। अब फंसने के बाद हमको करना क्या है, जैसे हम यहाँ से अब आपको दिखाते हैं नीचे की साइड, ये जो रोल रखा है उस पर जब हम यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये घूमेंगे चक्री। देखो ये चक्री घूम रही है, रेडियम घूमा। अब ये वापस करेंगे, ये उल्टी भी घूम रही है। अगर हम ऊपर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप सेंसर के हिसाब से घूमती रहेगी। अब आप दोनों को देखिए एक साथ, जो ऑटोमेटिक ले लिया उसने, ये निकल गया रेडियम। तो इसका ये बेनिफिट रहता है, जैसे कटिंग होती रहती है। और ये तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी और मशीन का रख रखाव। इसमें थोड़ा विलोर से हवा ववा मार के थोड़ी साफ़ सफाई कर देनी चाहिए आपको, और इस तरीके से आपको रोल लगा देना चाहिए। अब कटिंग हो गई है, अगर आपको कटिंग होने के बाद आपको रोल करना है तो यहाँ से आप हाथ ये लगाइए अंगूठे का सहारा, और चक्री को घुमा दीजिए, ऑटोमेटिक रोल हो जाएगा। ये हो गया, अपना उठा के इसे रख दीजिए दूसरा। इसका ये बेनिफिट रहता है कि रोल फैलता नहीं है, इधर उधर गंदा नहीं होता, ख़राब नहीं होता है ये, और ये आसानी से चलती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसे यहाँ से खोल के इंस्टॉल करना है, अगर आपका साइज सही बन रहा है तो इधर इसे इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, जी चाहे उस साइड में से लगा सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमारी जो है PI की मशीन है, करीब करीब 4 साल पुरानी है। अभी तक तो इसमें कोई कमी या कुछ आया नहीं है। हम समय समय पर इसका ध्यान रखते हैं, एक एक बूंद तीनों पॉइंटों पे ऑयल डाल देते हैं। ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऑयल डालने से अगर इसके मदरबोर्ड में चला गया तो मदरबोर्ड ख़राब भी हो सकता है आपका, तो इसलिए थोड़ा ऑयल डालना है जहाँ पे इसका वायरिंग होता है ना उसके अंदर पहुँच जाए, और इसे उंगली से घुमा देना, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से घूमता रहता है ये। जब भी घुमाएं तो चटकनी को थोड़ा ऊपर रखें ताकि ये फ्री हो जाए। ये अब जब एक घुमाएंगे आप तो ये सभी सेंसर घूम रहे हैं। ये जो ऑयल लग चुका है, ये ऑयल लगाए थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों इसका यही फ़ायदा रहता है इन वाली डंडियों का और उन दोनों का, रोल कैसे लगाना है क्या करना है। अब यहाँ से आप अगर रोल उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने घूमेगा, देखो है नीचे करके बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इनका यही फायदा है, अगर आप चाहें तो रोल के अंदर ये वाली रॉड डालकर भी रख सकते हैं और रेडियम को लगा सकते हैं। तो मैं वह भी तरीका आपको दिखा दूं। एक तो ऊपर रखने का, अगर जैसे इसमें ज़्यादा वजन रहता है अगर आपको लगता तो ये रॉड उठाई और इस रोल के अंदर डाल ली, अगर हम इस रॉड को इसके अंदर रखते हैं तब हमें इसमें डालनी है या फिर इसी में डालनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये ऐसे ऐसे चलेगी, अब यहाँ से ये हमारा रेडियम आ चुका है। ठीक, अब ये चटकनी डाउन करनी है, इसके बाद आपको ये फिर बीच वाली। ठीक है सर, अब फिर हम मशीन को ऑन करके आपको एक बार दिखाते हैं। देखना नीचे की जो चरखी है वो भी चलेगी। अब इसे हाथ से घुमाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो पिलाई है नीचे ना, तो उस पर रेडियम का वायर जा रहा है। तो ऊपर रखने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, और ऊपर रख कर के ही इस पर रेडियम की कटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।